हरियाणा के मेवात से एक दुखद खबर सामने आ रही है। बता दें कि एमपी पर भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है, 5 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं और 2 घंटे तक जाम लगा रहा और पुलिस जांच में जुट गई है। 4 की जान चली गई है लेकिन अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। नुहू जिले की सीमा से गुजर रहे कुंडली मानेसर परवल एक्सप्रेस वे पर थाना रोचका में सीमा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जहाँ पर 4 लोगों की मौत होने का मामला सामने आया। हादसा इतना जबरदस्त था कि एक अनियंत्रित वाहन फ्लाईओवर पर जा फंसा, जबकि आधा हिस्सा मार्ग पर ही था। बता दें जिसमें 4 अन्य वाहन भी चपेट में आ गए, इनमें से एक पुलिस वाहन भी शामिल है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान जाम की स्थिति बनती चली गई, करीब 2 घंटे तक जाम लगा रहा। हादसे में 3 लोगों की मौत होने के समाचार मिले हैं, जबकि एक व्यक्ति ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुट गई है, मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 5:30 बजे के करीब खोड़वसई गांव फ्लाईओवर के समीप एक वाहन तकनीकी खराबी के कारण मार्ग पर खड़ा था। उसी दौरान मानेसर की ओर से सीमेंट से भरा हुआ एक ट्रॉला आया जो खड़ी खराब गाड़ी की चपेट में लेते हुए अनियंत्रित हो गया। अनियंत्रित होने की वजह फ्लाईओवर में फंसा रहा और इसी दौरान दूसरी साइड में पलवल की ओर से आ रहे 2 ट्रक भी चपेट में आ गए। 5:00 कुछ मिनट के करीब मेरे पास फोन आया, वो जो गाड़ी पलटी हुई थी उसका ओनर का कि मेरी गाड़ी पलटी हुई है, इसको सीधा कर दो। तो मैंने पैसे वैसे की बात करके उसको सीधा करने के लिए आया, तो वो गाड़ी के पास आया, इतने वो ओनर ही एक्सपायर हो लिया। उसके पास दूसरी गाड़ी वालों ने गाड़ी चढ़ा दी। ये कितनी गाड़ी भिड़ी है इस हादसे में? इस हादसे में करीबन 4 से 5 गाड़ी। तो कितने लोगों की जान गई है इसमें? 4 लोग तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए। अच्छा, 3 बंदे घायल हैं। हादसे का क्या कारण रहा होगा आपको? हादसे का कारण कुछ नहीं है कि ये अपने नेग्लिजेंस ड्राइविंग है, ये ओवर स्पीड चलाते हैं ड्राइवर, न्यूट्रल वगैरह मार लेते हैं जैसे। कौन कौन सी गाड़ियाँ इस हादसे का शिकार हुई है? ये अपने ये ट्रक खड़े हैं, ये एक तो ये 2 18 टायर की गाड़ी हैं, एक 4 टायर की गाड़ी है, एक 6 टायर की गाड़ी है, ट्रक हैं, चारों ट्रक हैं। तो घायलों को भी, जो घायल हुए हैं, जो मृतक हैं, उनके को पुलिस आगे अपनी ले गई? हाँ, मौके पे पुलिस आई, NHAI वाली टीम आई और उन्होंने मौके पे रोड को क्लियर करवाया है और ऑन द स्पॉट उनको हॉस्पिटल भेजा है। देखिए, अब मेरा नाम प्रेम सिंह है और मुझे सूचना मिली थी कि एक्सीडेंट हुआ है घाटी में, झरना में। तो हम लोग आए यहाँ पर, उससे पहले ये हादसा हो चुका था। उससे पहले एक बल्कर, एक ट्रेलर, एक कैंटर और एक और गाड़ी और एक हमारी रेस्क्यू टीम की गाड़ी, ये गाड़ियाँ डैमेज हो चुकी थी, एक्सीडेंट हो चुका था और उसमें जो 3-4 एक्सपायरी हो गए थे। आप NHAI से हैं? जी, SSIPC से। जी, तो अभी कहाँ पहुँचाया गया? अब उनको तो मोर्चरी पहुँचा दिया गया है और जो हॉस्पिटलाइज थे उनको हॉस्पिटल भेजा गया है।